अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समन की दुनिया। आज हम जा रहे हैं, ईद का 4 डेज है, हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए, यानी कि मामू मेरे उधर दो रहते हैं और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आज का दिन भी हम कोशिश करेंगे अच्छा गुजरे। चलें आपको मिलते हैं वहाँ जाके। Assalamualaikum friends, welcome back to समन की दुनिया। आज हम आए हैं अपनी नानी की तरफ। तो नानी की तरफ यानी कि मेरी नानी जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो अब मैं ये नानी घर को हम कहते हैं, यहाँ पे मेरे दो मामू रहते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, एक बड़े मामू और एक छोटे मामू। तो शुरू से आदत पड़ी हुई है नानी घर कहने की, इसलिए मैंने कहा नानी के घर। तो बाज़ औक़ात लोगों को इस तरह की आदत होती है जैसे कि मुझे है। तो अब हम इनसे करेंगे कुछ बातें। ये मेरा प्यारा कज़न, इधर देखना, हेलो को, हेलो सबको, हेलो फ्रेंड्स। अब हम आए हैं इधर किचन पे, हम देखेंगे हमारी खाला बना रही है हमारे लिए सबके लिए मज़ेदार पकवान। तो हम पूछेंगे खाला क्या बना रही हैं आप? ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। वाह, ये कह रहे हैं हमारे लिए सरप्राइज है। तो मतलब फिर हमें सरप्राइज कितनी देर बाद पता लगेगा? क्या 10 मिनट में आप लोगों को पता चल जाएगा। जल्दी से बना लें 10 मिनट में, वाकई बड़ी भूख लगी हुई है। अब देखेंगे। वैसे मेरी खाला बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, मुझे बहुत इनका हाथ का टेस्ट अच्छा लगता है। तब तक हम चलते हैं ज़रा ऊपर छत पे ताकि टाइम गुजर जाए। तो हम जा रहे हैं छत पे ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए और खाना भी तब तक रेडी हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे ताकि हमें जो खाला ने कहा सरप्राइज़ मिलेगा। तो हम पता करते हैं कि हमें क्या सरप्राइज़ मिलेगा। कोई मज़ेदार चीज़ बन रही होगी, लगता है मेरी कोई फेवरेट होगी, इसलिए मेरी खाला मुझे कह रही है आपको सरप्राइज़ मिलेगा। मुझे आप जब नानी के घर जाते थे छोटे हुए तो क्या आपको मज़ा आता था? मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे अब भी बहुत मज़ा आता है। और छोटे हुए की तो क्या ही बात थी, बहुत ही मज़ा आता था। सब खेलते थे, सब इंजॉय करते थे, मज़ा आता था। और अब जितने भी मेरे कज़न्स हैं ना, सबकी शादी हो गई, हमारी तो नहीं, मैं सिर्फ रह गई हूँ सिंगल। कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता। मेरी कौन सी, क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी कौन सी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे कह रहे कोई बात नहीं आप परेशान हो, हमारी भी नहीं हुई। आपको पता है एक बात आपको बताऊं कि आजकल ये दौर आ गया है कि हर घर की छतें साथ 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 जुड़ी होती है, कि कोई भी किसी के घर जाके सो सकता है। आपको दिखाऊं, ये देखें क्या बात है, ये वाला घर ना, ये वाला घर उनके घर में जाके सो सकता है, उनके घर में ये वाले घर में आके सो सकता है, इजीली, कोई टेंशन नहीं होगी उनके। ये देख, नहीं चलते हैं इनसे बातें करते हैं, मुझे लगता है यहाँ तो पहले ही बहुत सी बातें हो रही हैं। हम नीचे चलते हैं, चलें नीचे हैं मेरे छोटे मामू का घर, कमरे वगैरह नीचे हैं, बड़े मामू ऊपर रहते हैं, छोटे मामू नीचे रहते हैं। तो अब हम उनके कमरे में चलते हैं। ये जी मेरे छोटे मामू का कमरा आ गया, यहाँ चलते हैं। मेरी छोटी मामी भी यहाँ मसरूफ हैं तो हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मामी क्या कर रही हैं आप? मसर बना रही हैं। वाओ मेरे फेवरेट है, आपको कैसे पता? आपके मामी भेजते हैं तो मैंने कहा आज मेरी मामी बना रही हैं मसर, तो अब हम उनके खाएंगे आज मसर। तो आप मुझे बताएं कैसे बनते हैं ये, आप मुझे बताएंगी कैसे बनते हैं? मामी आपको कुकिंग करना कैसा लगता है? मामी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। फिर आप कुकिंग में हमें क्या क्या बना के फिर खिला रही हैं आज? अलमास कोई फरमाइश करें फिर। नहीं तुम ही लो, ये क्या बात हुई, सारी फरमाइशें मैं ही करूँ, मैंने ही बताए हैं। मसर चावल भी मैंने बताए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मामू ने पूछा क्या खाना है तो फिर मैंने कहा मसर चावल, ठीक है ना। हम अपने कजन के पास जाते हैं जो कि सारा दिन सोया रहता है, हम उससे थोड़ी सी बात करते हैं। देखना वो मुझे जवाब बिल्कुल नहीं देगा, मुझे पता है उसका, पर आए जरा चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम फाइनल उनसे मिलते हैं जो वन एंड ओनली सुस्त पर्सन है। वो सिर्फ एक ही शख्स है, उनका नाम है दानियाल। जब भी मैं इनके घर में हूँ ये सोया रहता है। तो अब हम आपकी उनसे मुलाकात करते हैं, देखना वो कहाँ पर होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, वो दानियाल है, वो सोया हुआ है और टाइम हो गया है 6:30।
यानी कि सारा दिन इसने गुजार लिया सो के, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, बल्कि शाम भी गुजरने लगी और दानियल साहब ने कंबल से नहीं उठा। दानियल आपको पता है इसने मुझे उठ के ईद मुबारक भी नहीं कहा और ये बात तो दिखा, उठना है कि नहीं उठना, आऊं? अच्छा ईद मुबारक हो, कहना है कि नहीं? शर्म आता है वो, उसे ना लगता बोलने में भी शर्म आती है, दानियल बहुत शर्माता है। दानियल और इस वो कह रहे मैं आपको अपनी खूबसूरती नहीं दिखा सकता, माशाल्लाह हमने सारी देखनी है इसकी खूबसूरती। ये कहते हैं कि मुझे खाना भी ये दे देंगे, कमल के बीच ना जाके पता क्या कर रहा है, जूस पी रहा है, जूस का डब्बा, कौन सा वाला दानियल, कौन सा पी रहा है, इशारे से दिखा दो, ये वो जूस का डब्बा पी रहा है। पियो पियो, हम भी तुमसे लेते हैं, भी टेंशन ना लो, पियो आराम स्कूल से। चले अब हम थोड़ी देर तक आपके आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। देखते हैं कि मम्मी का खाना कहाँ तक पहुँचा है। अरे ये तो बहुत गर्म है, दिखाएं मम्मी कितना रह गया है, भूख लग गई है मुझे। ये तो अभी शुरू हुआ है बनना। अच्छा और ये क्या है? ये दूध है रखा हुआ। अच्छा वेला दानियाल। इस कमरे में जाते हैं, इस कमरे में देखते हैं वो क्या है। सो स्वीट। सो स्वीट। अच्छा अच्छा आपकी बिल्ली के बच्चे कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये ब्लू है। अच्छा क्या हो गया है, क्या हो गया है? जी जी क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो? अच्छा 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 सो स्वीट। ये जो है ना ये कैटोन की मम्मा मेरे साथ खूब लड़ाई कर रही है, कह रही है कमरे से बाहर जाओ, मेरे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। मैंने क्या कहना, मुझे खुद बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इनको इसको कोई समझाए। मुझे लगता है इस कमरे से बाकी पाई जाना चाहिए, नहीं तो ये मेरी तंदी तुंदी काट देगी। इसका गुस्सा दिखाएं आपको, कर गुस्सा। चले अब नहीं नहीं शुरू ना डिस्टर्ब नहीं करो। अच्छा चलो आओ चलो। मैंने भी करना था एक शुरू। वाह वाह कुछ 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 कुछ। चलो चलो बस बस आ जाओ श्रोत, आ जाओ। नहीं नहीं अच्छा भाई अब हम जा रहे हैं इस कमरे से बाहर, इससे पहले कि मियाऊ मुझे कुछ करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा बंद करो। बहुत गुस्से वाली है इनकी बिल्ली, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। तो बिल्ला सो रहा है और वो उनके पापा आराम सुकून से सोया पड़ा, उसे कुछ पता ही नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैं इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे लगता है अभी खाने में बहुत देर है, तो फिर मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर ना सो जाना चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा सो के जब उठूँगी ना शायद है कि खाना बन जाए तो फिर खाऊँगी। One hour later. मैंने ऊपर से खाना खा लिया, मैं मम्मी को कहती हूँ। हाँ जी मम्मी जी खाना बन गया आपका। तो मम्मी जी आपका खाना बन गया, तो मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैंने ना ऊपर से खाना खा लिया है, ऊपर से बड़ी मम्मी से।
हालांकि शादिया ने खाना बनाया था तो वो पहले बन गया, तो फिर मुझे भूख भी इतनी लगी थी मैंने पहले खा लिया। तो आप ऐसा करना, ये मस्टर्ड चावल मेरे लिए ना पैक कर देना, ठीक है? डन। शुक्र है मेरी मामी मुझसे नाराज़ नहीं हुई, अब वो पैक करेंगे, मैं वो घर जाके रात के 12 या 1 बजे खाऊंगी। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया जी 10:30, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर 2 महीने के लिए। इस घर को करेंगे हम अलविदा, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे आयशा। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन मेरा तो बहुत ही स्पेशल गुजरा, क्योंकि फर्स्ट हमने एंजॉय बहुत किया, सेकंड हमें ईदी भी मिली, थर्ड खाना भी बहुत मज़े का मिला। फर्स्ट आपका खाला जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फेवरेट डिश बनाई और आपने मुझे अच्छा सा सरप्राइज़ दिया। सेकंड मामी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी मेरी नीचे फेवरेट डिश बनाई थी और उसके लिए आई एम सॉरी, मेरा पेट फुल हो चुका था और अभी मैंने खाना खाना है, आपका ही खाना खाना है दिखा हुआ, तो थैंक यू सो मच। तो एक मैं मज़े की बात ये बताती हूँ कि आज मैंने दानियल को इंतहाई तंग किया। सो दानियल, मज़ा आया? मुझसे पंगा ना लिया करो, सुन लो मेरी बातों को दिल में ना लिया करो यार, तुम छोटे से भी मेरे प्यारे से छोटे से भाई हो, तो तंग करना अच्छा लगता है मुझे, खासतौर पर तुम्हें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, सब अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।